पिताजी का नाम है। हाँ, स्वर्गीय सुजीत लाल शर्मा। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते होंगे आप? खूब जाने छी, हम आँखों बनवाए दलखनी। अच्छा, हाँ आँख बनवाए दलखनी। तो वो कहते हैं हम किसान का आमदनी जो है हाँ, दोगुना कर दिए हैं। हाँ, कहने का मतलब हुआ कि आप जो 5 साल पहले जो कमा रहे थे, मान लीजिए 1 लाख रुपया कमा रहे थे, हाँ, 5 साल के बाद आपका आमदनी दो लाख हुआ है, मतलब दोगुना हुआ है आपका आमदनी खेती से। खेती से हुँ? खेती से बराबरे जा रहा है, बराबरे जा रहा है, बराबरे जा रहा है। पूरा करे छे ना, 4-5 गो पानी दे छे, दोनों अथी संपूर्ण हो जाए, बचे आल नहीं छे, कुछ नहीं बचता है ना। तो पटेलिए 4-3 गो पानी पटेलिए, देख मकई नहीं होले तब बेरगा फिर पटाए गहूँ बोल। अच्छा, हाँ तो खेती के लेकर आपको कौन कौन सा समस्या आता है ये बताइए। खेती की समस्या यह आवे छे कि रखियो कि फसल बराबरे होइ छे, इनकम ओतना नहीं होइ छे। मतलब कहने का है जो आप खेती करते हैं सटपट हो जाए, बराबर सटपट हो जाता, उसमें मतलब और ज्यादा इनकम नहीं होता जिससे आप परिवार चला सके या और भी कुछ काम कर सके? घरे से लगे, घरे से लग रहा है। हाँ। ये बताइए कि जब आप फसल बोते हैं हाँ, तो उसमें खेती जो करते हैं उसमें जो नुकसान होता है हाँ, उसका क्षतिपूर्ति मिलता है आपको? कम में मिले छे, अगर खेत के नहीं मिले से मोटे में मिले से 10 कट्ठा। अच्छा, हाँ ये जो खेत कर रहे हैं कल नहीं मिले से, तो इसमें कौन कौन सा फसल लगाते हैं आप? लगवे से रखियो कि धान आ गेहूँ या मकई यार चाहिए वो लगा सकिए। सबसे बेहतर कौन सा फसल होता है इसमें? सबसे बेहतर हो रखियो कि मकई ना, मकई गहूँ दोनों बराबर हो तो मकई छोड़ दिले, अब गहूँ में बुने। अच्छा, मकई में 5 गो पानी लग जाए और नहीं हो बराबर हो जाए, गहूँ में 2 गो पानी भर जाए 1 गो पानी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा सुविधा किस फसल में आता है आपको और ये आमदनी किस में होता है? गहूँ में हो गेहूँ में। प्रधानमंत्री एक आयुष्मान कार्ड है, अगर आप बीमार होते हैं तो 5 लाख तक का फ्री इलाज है। हाँ, बना ऑपरेशन करवाए। हाँ, 2 महीना मुसली घरारी, मुसरी घरारी समस्तीपुर। समस्तीपुर तो उसमें कितना पैसा लगा आपको? मैं रखियो कि 5,000 रुपया अच्छी कल के 500 रुपया यहाँ दिया, मैं 5,000 मैंने काट लेके निशान दे दिए थे। अच्छा, तो उसका लाभ मिला है आपको? हाँ, 5,000 मैंने ओकरा 5,000 मैंने रखियो कि हमें औंठा दिलिए ना, आ एटमार काट दिलिए 5,000 रुपया हुआ वो अपना निकाल लेल के डॉक्टर। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सा प्रक्रिया करना पड़ा जब आप इलाज करवाने गए? जैसे कागज को लेकर कोई परेशानी भी हुआ आपको? ना, परेशानी नहीं हुई, एडमार काट दिलिए सुनलिए छिलकोरी में, आ उन्हें चल गए वहाँ रोसरा, रोसरा से मुसनी घरारी, ऑपरेशन कल के रखियोगा वो पैसा नहीं लगले, पैसा 500 रुपया भाड़ा नहीं देवे, जो भाड़ा देवे नहीं वहाँ गाड़ी दे भाड़ा नहीं देवे, वाजिब बात हमे वैष्णव से ईमानदारी बोले छे। आ रखियो कि वह रखियो कि लल गए, आ 5,000 रुपया मैं रखियो कि हम कटले पहुँचा दिल। अच्छा, तो एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है जो कि किसान को साल में 6,000 रुपया मिलता है, वो हाँ, मिलता है? मिले और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हम पक्का घर देखना चाहते हैं। हाँ, पक्का घर मिला है आपको? हमरा नहीं मिले, मैं अपने बने लिए, अपने बनाए, हमरा नहीं मिले। और हमरा डिपार्टमेंट सब दिया के मिले, आ हमरा दू में लड़का के नहीं मिले यार, रखियो हमरो नहीं मिले, हम अपने बने लिए पक्का। अच्छा, तो कभी अधिकारी के पास गए नहीं जब? हाँ, कि हमको पक्का घर नहीं मिला है? हमको नहीं, कभी लिखाए लिख दिलियो नहीं लो, फिर लिख भो तब होते मुखिया बदली हो गए, फिर मुखिया मछरेख नहीं हल। अच्छा, रहे दिनेश, दिनेश हट गए तो ये बनले मुखिया। अच्छा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है हाँ, मोदी जी की तरफ से जो महिलाओं को फ्री में सिलेंडर दिया गया था हाँ, वो आपके परिवार में किसी सदस्य को मिला है? हमरा मोल मिले लेकिन लगे फ्री वाला नहीं मिला। मैं फ्री वाला नहीं मिले, मोल परसों लेबे करके हमारे पे तो। अच्छा, सर 10-25 में। खेती जो आप करते हैं हाँ,
तो डीजल अनुदान का लाभ मिलता है आपको? कम में मिले वह 10 कट्ठा 300 रुपया मिले 1 बीघा में। अच्छा, 1 बीघा जमीन छे ना, 1 बीघा में 300 रुपया मिले। उसमें कितना खर्च आता है पानी में? पानी में पानी में रखियो कि पानी में रखियो 12 घंटा लग ले रखियो, सब खेत में लाग 12 घंटा, 12 घंटा में 300 रुपया मिले। उसमें आपका खर्च कितना हुआ? खर्च जो ले लियो कि 200 रुपया 12 × 24 सुनिए 2500 रुपया पानी में लग ले। अनुदान मिला आपको 300 रुपया? 300 रुपया लिख के दिल्ली 300 दिल के बाद गया। बाकी खेत का अनुदान नहीं मिल रहा? नहीं मिले थी। क्या बोलते हैं जब जाते हैं अनुदान लेने के लिए कि मेरे पास आप उनको बोलते नहीं हैं कि खेती खेत तो मेरा ज़्यादा है और 300 में कैसे मेरा पटवन का पूरा? बोले अब मन साहेब हमारे बस में बोला गया बूढ़ आदमी बोले साहेब हाँ अलिए हम सही सब बात बोल दिलूँ बोल लियो उतने बात बोल रहा हूँ गलत बात नहीं गलत बात में की फायदा मिलते है 4-5 गो पानी में पटबै छे आ उपजा हो रही बराबर खैर अपन जमीन से कोई दिक्कत नहीं आब 2000 के मिले इन्हें हमरा हुनका तरफ से मैं आँखियो बन बन गए आ 2000 के मिलबो करे झूठ किए बोल झूठ हम नहीं बोलब कि नहीं मिले मिले अगर हम मिले से अहाँ कहे नहीं मिले से अच्छे कहाँ कहे मिले होते तब हम झूठा नहीं जेबी ना ईमानदारी हम काम करे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पहचानते हैं? हाँ पहचान में ना। तो उनके तरफ से क्या क्या लाभ मिला है हमरा? हमारा लाभ मिलने रखियो यह है राशन तो मिलबे नहीं करे अच्छा आँख बनाइए नहीं दिलखन अच्छा 2000 के मिलबे नहीं करे। वृद्धा पेंशन मिलता है प्रधानमंत्री वाला? हाँ मिले। तो सरकार से आप और कौन सा सुविधा लेना चाहते हैं ताकि आप खेती को और बेहतर कर सकते हैं? की लेवे अब लेवे यह बूढ़ में की लेवे बूढ़ में लेबो कर लोन तो फिर देवे कहाँ से? लोन का बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पानी पटाने के लिए अगर आपको मशीन चाहिए या फिर खाद का मतलब सही समय से मिल जाना, बीज का सही समय से मिल जाना, यह हमारा सुविधा चाहिए यही सुविधा खाद बीज। हाँ तो सरकार जो है जैविक खेती समझते हैं? जैविक खेती का मतलब है कि सरकार कहते हैं आप खाद बीज का उपयोग कम कीजिए, हाँ। उसके जगह आप गोबर का उपयोग कीजिए। हाँ। तो आप गोबर का उपयोग करते हैं खेत में? गोबर रखियो कि हार्ट का बीमारी हो गया बीमारी हो गया माल जाल हटा दिलिए 2 साल से गोबर नहीं दी। अच्छा, गोबर दे रही तो बढ़िया उपजे रहे अखनी उपजे से बढ़िया दोहराए मन के गहूम हो जाए। अच्छा, चौमास रखने लिए पटा दिलिए। कितना साल से खेती कर रहे हैं आप? खेती हम करे रखियो ना 20 बरस से करे बाप मरले हमारा तब खेती गिर गई। तो पहले जो खेती करते थे 20 बरस पहले और अभी जो खेती करते हैं दोनों में क्या अंतर देखते हैं? अंतर माने कि 5 गुना ना पहले से अब जो ना थी तो खेत में अगर खेत में 10 सिर का 2 मन हो तो दम फड़ा है अब 12-13 मन है। क्या मतलब इसमें ऐसा क्या खास हुआ कि 12-13 मन का होता है? मैंने पानी स्वाभाविक हो गए बोर्डिंग स्वाभाविक पहले बोर्डिंग नहीं दे रही कोई चीज़ रहे नहीं ना आदमी आवे वो उसमें बुन दे आ चल जात रहे बुन दिए भिनसर गई बुन दिए चल जाइए वो जो उपजे पानी के साधन नहीं रहे हम भांग फूक फूक फुलाए रहे रहरी बुन दिए कुछ हो जाए आप तो देखिए कि जितना मेहनत करते उतना फायदा है। तो एक नैनो DAP चला है जानते हैं उसके बारे में? नहीं नहीं, लिक्विड फॉर्म मतलब पानी वाले रूप में रहता है जैसे आप DAP और या जो आप दाना वाला उपयोग करते हैं वह पानी के रूप में आता है बोतल में। उसका छिड़काव आप कभी किए हैं? छिड़काव हमारा बोतल छह छिड़काव नहीं के लिए बोतल पूरे रह रहे तो हमारा फसल बढ़िया देख लिए ना तो टिकाव नहीं के लिए बोतल रख ले 250 दल के। अच्छा, 500 हम 2 ले लिए देखिए बिना खाद नहीं दिल के रखियो खाद सब चीज़ ले लिए 4 गो बड़ा तो कल के नहीं 2 लो तो नहीं देखो 2 गो मना के रखियो अथी कल के। अच्छा, छिड़काव नहीं के लिए बड़े रख ले अभी पूछलिए रामचंद्र जी ने तो कल के कि अब छिड़काव करियो हम नहीं करे कि फसल बढ़िया देखे तो नहीं करे। अच्छा, उसका अभी कभी उपयोग नहीं किया? नहीं नहीं के लिए बोतल छे घर। अच्छा,
तो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं खेत में? वो नहीं कर, कोई जम नहीं करे, नहीं करते, ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है आपका फसल अच्छे से? ऐसे हो जाते हैं, हो जाते हैं, नहीं करना। तो खेती जो करते हैं इसमें नुकसान भी होता है कि? नुकसानो हो जाए, मरहाना हो जाए। अच्छा, धान तीन दा मरहाना हो गया, चार गो पानी दिलिए आ कहीं फूट गए कहीं नहीं फूटल। देखो छः कट्ठा से छः कट्ठा में देखो छः मन धान हल कि हल अथी बनो नहीं ऊपर हल तभी नहीं रोपना छोड़ दिलिए। अच्छा, छोड़ दिल। एक किसान चौपाल कार्यक्रम होता है जैसे आपके पंचायत में, उसमें किसान को बताया जाता है कि खेती आप कैसे करें और बेहतर बनाने के लिए इन सब चीज़ का उपयोग कीजिए, उस प्रोग्राम में आप लोग भाग लेते हैं? हाँ, पौरो ले लिया, अभी ले लिया। लेते हैं भाग? हाँ। तो उसमें ऐसा क्या खास आपको लगता है और उसका उपयोग करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं जो बताते हैं वो? जे प्रचार उकल खरे ना वो रखियो, वो के लिए वह मकई अभी रोप लिए 600 रुपये किलो। अच्छा, मकई रोप लिया तत्व बात से ये आप ही का है ना? ये हमारे चीज से परोसिया। अच्छा, हमारे वही बाद में से उन्हें गाँव के बुधौरा में घर छिलकोरी हल रहे बुधौरा में छिलकोरी मजा के बुधौरा में हल रहे वही बाद में से मुसारी पूरा मकई। तो सरकार से जो है कुछ कहना चाहते हैं आप? सरकार की कहे, सरकार कहे यह न कुछ दिए के लिए खेती खोला के देख लिए हमको मोहनत है आज जे मिले से मिले से झूठ नहीं बोलब साहब कि नहीं मिले से जितने मिले से ठीक मिले से बूढ़ो पिलसिंग मिले से राशनो मिले से हमारा तरफ से आँखों बन गए आ 2000 के मिलबो करे से झुटकिया बोलब नहीं मिले से। तो काम हो रहा है मोदी के राज में? हाँ, खूब बढ़िया के हिसाब से, खूब बढ़िया। हाँ, उनको काम हो रहा है। 3 महीने बाद फिर से चुनाव है? हाँ, तो वोट डालने जाइएगा ना? जेबे नहीं हो उनका तो एकदम खोल के देवे वोट देवे नहीं, देवे नहीं। हमारा अखनी लाभ दे रहा है बुढ़ारी में फिर से ओहो दे रहा है ना आँखों बाबा गलिए तुरंत बन गए फ्री में बन गए फ्रिये में नल वोट बन गए आँख बन लगी पानी चलते सही से दिख रहा है ना अब? हाँ, सही देखे। पहले क्या समस्या आता था? पहले मैंने चलिए ना तो रास्ता में गिर पड़िए। अच्छा, धुंधला नजर आता? हाँ। अच्छा, वो कहलिए ना तो कुछ मैंने अखनी काम करे तो नहीं कहल के डॉक्टर लेकिन तैयो अकेला छे मैंने हमारा करे हो। क्या नाम बोले थे आप अपना? केदार शर्मा। घर कहाँ बोले? घर उतरी छिलकोरी। उतरी छिलकोरी। हाँ, पिता का स्वर्गीय श्री लाल शर्मा किया केदार क्या उन्हें शर्मा में। हम्म।